Indian football team played 1-1 draw against Afghanistan in their fourth fixture of FIFA World Cup 2022 and AFC Asian Cup 2023 joint qualifiers. एक और disappointing results Indian football fans के लिए, especially इस match में फिर से हम we conceded and then we chased the game and finally got the goal in the stopping injury time. Thanks to Sunil Chhetri header and Brandon Fernandes assist. This is Brandon's third assist in these qualifiers, and all three goals which India scores are came from set pieces and सारी set pieces Brandon ने लिए. टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे देखते हैं कि इंडिया की क्या प्लेइंग 11 थी इस मैच में. हमारे टेक्टिकल बोर्ड देखते हैं, इंडिया स्टार्टेड इन 4-2-3-1 फॉर्मेशन. थोड़ा सरप्राइजिंग था, मैंने प्रीव्यू में प्रेडिक्ट किया था इंडिया को 4-3-3 खेलना चाहिए, बट बात करते हैं इसकी. इंडिया ने यहाँ पे सहल को एज अ नंबर 10 खिलाया था, प्रणय हल्दार एज अ डिस्ट्रॉयर मिडफील्डर खेल रहे थे, साथ में ब्रैंडन डीप लाइन प्लेमेकर की तरह खेल रहे थे. राहुल भाई के सेंटर बैक पोजीशन में गए, उन्होंने अनस को रिप्लेस किया जो वापस घर आ गए थे किसी फैमिली रीजन की वजह से. प्रीतम कोटाल की वापसी भी और राइट बैक की पोजीशन में खेल रहे थे, एंड बाकी टीम आपकी लगभग लगभग सेम थी. अब इस टीम में इशू यह था कि प्रणय हल्दार को उन्होंने अपने आप को ज़्यादा अवेलेबल नहीं कराया ब्रैंडन के पास पासिस के लिए, और ना ही सहल ने अपने आप को अवेलेबल कराया पासिस के लिए. आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे कि ब्रैंडन के पास जो स्पेस आप देखते हो, इतनी स्पेस खाली है और वहाँ पे कोई मिडफील्डर या कोई प्लेयर उनके पास नहीं था. बार बार उन सुनील छेत्री को ड्रॉप डीप करना पड़ रहा था बॉल रिसीव करने के लिए, ऑप्शन कुछ नहीं थे. इसलिए कई बार ब्रैंडन फ्लैंक भी चेंज करने की कोशिश करी, एक दो बार उन्होंने बॉल भी गिव अवे किया, बिकॉज ना ही सहल ड्रीप हो रहे थे ना ही प्रणय आपको अवेल कर रहे थे. तो ये काफ़ी इशू हुआ इंडिया के लिए. एंड थ्रू आउट द गेम यहाँ पे ब्रैंडन के पास मतलब कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे पासिस के लिए, ना ही सेंटर बैक ज़्यादा आगे पुश कर पा रहे थे. कई बार आप मैच में देखोगे अगर रिप्ले जाकर, तो ब्रैंडन अपने सेंटर बैक्स को आगे करके बुला रहे थे. इसके अलावा मन्नाराव देसाई को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने. उनके मेजॉरिटी अटैक्स राइट हैंड साइड से आया, गोल भी उनका राइट हैंड साइड से आया. एंड गोल में भी थोड़ा सा दो बंदों ने बॉल गिव अवे करी, पहले ब्रैंडन ने बॉल गिव अवे करी, पर प्रीतम ने बॉल वन करी एंड देन अगेन गिव अवे करी, एंड देन वो फ्लैंक चेज करते हुए उन्होंने क्रॉस से गोल किया. इसके अलावा अब इस मैच में कुछ खास पॉजिटिव हमारे लिए है नहीं. सहल अपने रोल में कन्फ्यूज दिखे हुए, शायद उनको कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि उनका क्या रोल था क्या नहीं था. एंड आई थिंक ओनली पॉजिटिव इज फ्रॉम दिस मैच इज कि हम लोग मैच हारे ही नहीं, हमारे पास एक पॉइंट है, और उस एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है लेटर ऑन जब ये ग्रुप कंप्लीट होगा. अब बात करते हैं कि जो हमने अभी बात करी आपको टेक्टिकल बोर्ड में जो चीज़ दिखाई किस तरह ब्रैंडन के पास ऑप्शंस की कमी थी, वो एक थोड़े मैच के तीन स्क्रीनशॉट हमने लिए हैं, उनके थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस रियल टाइम में सिचुएशन क्रिएट हुई. जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास बॉल है, आशिक कुरैन का काफ़ी देर तक पोजीशन था, एंड उनके पास ऑप्शन आप देखेंगे तो बॉक्स के अंदर सुनील एंड सहल है, पर टॉप ऑफ द बॉक्स जो प्लेयर होता है वहाँ पे कोई नहीं है. जो आशिक को बॉल ये ब्रैंडन ने खेली थी, तो ब्रैंडन उनके पीछे खड़े हैं. उनके पास अगर आप वहाँ पे कोई बंदा होता तो एक सिंपल कटबैक अवेलेबल था, आशिक उसको शूट के लिए जाते हैं और बॉल इंडिया मिस कर जाती है. तो इस तरह जो मिडफील्ड में जो प्लेयर चाहिए थी, जो जिस आई थिंक सहल को वहाँ पे होना चाहिए था, जहाँ पे सहल अभी हैं वो बॉक्स के अंदर है, वहाँ पे उदानता को होना चाहिए था. तो ये आई थिंक कन्फ्यूजन ऑफ रोल में भी प्लेयर्स के बीच में था, कि नंबर 10 को पता होना चाहिए कि नंबर 10 की पोजीशन क्या है. नंबर 10 यूजली बॉक्स के आसपास वेट करता है टू क्रिएट और टू फिनिश, जो सहल नहीं दिख रहे थे यहाँ पे. एंड आपको अगला एक और स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल रहा है, ये 34th मिनट का है. अब देखिए ब्रैंडन के पास बॉल है, ना आसपास प्रणय है ना ही सहल है ना कोई है, एंड वो वेट करते हैं देखते हैं लॉन्ग बॉल को नहीं खेलने सोचते हैं, पर फाइनली सुनील ड्रॉप करते हैं, उन्हें एक अच्छी बॉल सुनील को खेलते हैं, सुनील फ्लिक करते हैं वो बॉल आशिक के लिए, एंड इंडिया फिर वहाँ से अटैक पे चलता है. सेम सिचुएशन एक और है आपके, देखिए 36 मिनट में यहाँ पे ब्रैंडन का बॉल है, डीप लाइन प्लेमेकर रोल में ब्रैंडन खेल रहे हैं, एंड मिडफील्ड में एक प्रणय दो बंदों के बीच में, बट सहल नहीं ड्रॉप हुए हैं. फिर से इस केस में भी सुनील छेत्री ड्रॉप होते हैं, ब्रैंडन एक अच्छी बॉल सुनील छेत्री खेलते हैं और एक फ्लिक मार के इंडिया फिर अटैक में जाती है. तो मेजॉरिटी फर्स्ट 60 मिनट में यही चलता रहा, जब तक फिर इंडिया ने चेंजेस किए, उसका चीज़ें चेंज हुई. तो ऐसी सिचुएशन इंडिया क्रिएट, तो ये दिखाता है कि आपके जो सेकंड मिडफील्डर थे या थर्ड मिडफील्डर थे, उनको उन्होंने अपने आप को अवेलेबल नहीं कराया जब भी आपके डीप लाइन प्लेमेकर के पास बॉल है, क्योंकि कितनी बॉल ब्रैंडन ऊपर से खेलेंगे, इंडिया की फिजिकलिटी भी हमारे प्लेयर्स की इतनी अच्छी नहीं कि लॉन्ग बॉल्स को खेल वन कर पाएँ. तो ये इश्यूज इंडिया ने थ्रू आउट फेस किए. अब आगे आप बात करेंगे कि आईगोस टीम के अंदर ये इंडिया का बेसिकली फोर्थ क्वालिफायर था,
एंड हमने अभी तक ओपन प्ले से गोल नहीं मारा है, हमने तीन ही गोल मारे हैं और तीनों के तीनों हमारे गोल बेसिकली हमारे सेट पीसेस से आए हैं। तो अब अभी देखते हैं कि क्या उनके स्टैट्स रहे हैं ओवरऑल अभी तक टोटल, जब से उन्होंने इंडिया को उन्होंने कोच करना स्टार्ट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम किंग्स कप, एंड उनको एक बार थोड़ा बाइसेक करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स टू इंस्टेट फॉर सेंडिंग दीज टेक्टिकल डॉजियर टू अस, एक स्टैट्स रिपोर्ट उन्होंने हमें भेजी है इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान वर्सेज इंडिया मैच से। आप देख सकते हैं एवरेज पोजीशन ऑफ द प्लेयर जो हम हाईलाइट कर रहे थे अभी पिछले पार्ट में हमारे टेक्टिकल बोर्ड पे, आप नंबर 10 देख सकते हैं ब्रेंडन कितना डीप है और आसपास ऑप्शंस की उनकी कमी है। आपको इसके अलावा आपको जो ये इंडिया के बॉल पोजीशन है उसके स्टैट्स आप देख सकते हैं। आप एक सेक्शन और देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो हम बता रहे थे बार बार ब्रैंडन सुनील छेत्री को फाइंड आउट कर रहे थे। आप ये देखिए इंडिया के टॉप फाइव जो फ्रिक्वेंट कॉम्बिनेशन है, आदिल खान ने बेके को 41 टाइम्स आपस में इन दोनों ने बॉल खेली है, फिर बेके ने कोटाल को 32 टाइम्स आपस में बॉल खेली है, कोटाल ने प्रणय हल्दार को 23 टाइम्स बॉल खेली है, बट जो ब्रैंडन फर्नांडिस है जिनकी सबसे ज़्यादा बॉल होनी चाहिए थी प्रणय हल्दार या सहल को, उन्होंने ब्रैंडन एंड छेत्री ने आपस में 21 टाइम्स बॉल खेली है, उसमें से 14 टाइम ब्रैंडन ने खेली है टू सुनील एंड 7 टाइम्स सुनील ने खेली है छेत्री। तो जो प्रणय और सहल को ब्रैंडन के साथ मिडफील्ड में जो कॉम्बिनेशन बनाना था वो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह फ्रिक्वेंट कॉम्बिनेशन है, ये काफ़ी अच्छा एक स्टैट है आपको डिटेल पता जो आपको बता सकता है कि किस तरह मैच की स्टोरी चल रही थी। और एक और इंटरेस्टिंग आपके लिए है जो ड्रिबल्स जो इंडियन टीम ने अटेम्प्ट करी और कितनी सक्सेसफुल हुई, आप ये चीज़ आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इंडियन टीम से सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटिंग रहा सहल समद, उन्होंने 5 बार ड्रिबल अटेम्प्ट करी और 0 उन्होंने सक्सेसफुल 0% के साथ। उसके अलावा फारूक चौधरी ना के 2 बार ड्रिबल अटेम्प्ट किए और दोनों बार सक्सेसफुल रहा 100%। उसके अलावा आशिक कुरैन ने 6 ड्रिबल अटेम्प्ट करी, 3 ड्रिबल कंप्लीट कर पाए 50%। एंड उसके अलावा सुनील छेत्री ने 2 ड्रिबल अटेम्प्ट की थी, 1 उन्होंने फिनिश किया। तो सहल जितना जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो भी वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। आई थिंक मैंने जैसे बात बोली काफ़ी कंफ्यूज थे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चक्कर से उनको समझ में नहीं आया कि मैं ड्रॉप करूं या आगे जाऊं या पीछे आऊं, तो वो एक क्लैरिटी कोचिंग स्टाफ को उनको देना चाहिए। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि टैकल्स जो टैकल्स मारने का जो टैकल्स प्लस सक्सेसफुल का रेशियो है, मंदारों के सही 3 टैकल मारे हैं, तीनों उन्होंने वन किए थे 100%। इसके अलावा जिसमें जो सरप्राइज़ आता है यहाँ पे प्रणय हल्दार, उन्होंने सिर्फ 3 टैकल अटेम्प्ट करे, जिस चीज़ के लिए प्रणय हल्दार खिलाए जा रहे थे उनको ज़्यादा करने चाहिए उसमें 2 उनको सक्सेसफुल हुआ। आशिक कुरैन ने 5 टैकल अटेम्प्ट करे और 4 उनको सक्सेस मिली है। एंड इसके अलावा ब्रैंडन ने 2 अटेम्प्ट करे, 1 सक्सेसफुल मिला है। तो प्रणय अगेन जो मैं हाईलाइट कर रहा था मिडफील्ड में जो रोल जिनको दिया गया था वो रोल उन्होंने इतना अच्छा किया नहीं। एंड उसके अलावा आप एक और चीज़ जो देख सकते हैं प्रणय ने एक और जो आप ईयर चैलेंजेस वन है, आप देखिए आदिल खान ने 4 में से 3 चैलेंजेस जीते हैं, सेम बेके ने 6 में से 5 चैलेंजेस जीते हैं, प्रणय हल्दार ने 3 में से तीनों एयरल चैलेंजेस जीते हैं, अपफ्रंट छेत्री ने 5 में से 2 जीते हैं। तो एक ये भी दिखाता कि अपफ्रंट हम पे एक बॉडी वो जो टारगेट मैन नहीं है जो होना चाहिए था थ्रू आउट दिस गेम। तो ये कुछ स्टैट्स इंस्टैट ने हमें भेजे थे, हम इसको आपके साथ शेयर करते हैं। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। आइगर स्टीमक के अंडर इंडिया ने 9 मैचेस खेले हैं टोटल, फ्रेंडलीज प्लस क्वालिफायर्स, उन 9 मैचेस में से 4 क्वालिफायर्स हैं। 9 मैचेस में से हमने सिर्फ 1 मैच जीता है वो भी थाईलैंड के अगेंस्ट 1-0, एंड उसके अलावा हमने 4 मैच हारे हैं, 4 ड्रॉ किए हैं, ये टोटल इंक्लूडिंग फ्रेंडलीज हैं। और अगर फ्रेंडलीज प्लस क्वालिफायर्स मिला के आप देखेंगे तो इंडिया ने 17 गोल कंसीड किए हैं और 10 गोल स्कोर किए हैं। 10 में से हमने 7 सेट पीस से मारे हैं, सिर्फ 3 ओपन प्ले से गोल मारे हैं। तो ये दिखाता है कि टीम चांसेस क्रिएट तो मे भी कर रही होगी बट फिनिशेस ओपन प्ले से नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं क्वालिफायर्स की। क्वालिफायर्स हमने 4 क्वालिफायर्स खेले हैं अभी तक, 4 क्वालिफायर्स में 0 हमारी विक्ट्री है, हमने 3 ड्रॉ खेले हैं और हमारी 1 हार हुई है, और हमने 4 गोल कंसीड किए हैं और 3 गोल स्कोर किए हैं और तीनों सेट पीसेस आए हैं। तो ये नंबर इतने अच्छी चीज़ नहीं बताते जितना अगर उस टीम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि टीम अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं डोमिनेट कर रहे हैं, बट गोल स्टैट्स ये चीज़ नहीं बताते हैं। अब आप बात करेंगे ग्रुप, हम आगे बढ़ने से पहले कतार मैच में जाने से पहले हम बात करते हैं ग्रुप स्टैंडिंग की। इस टाइम कतार के 4 मैचेस में 10 पॉइंट है, उन्होंने 3 मैचेस जीते हैं, 1 मैच इंडिया का ड्रॉ हुआ था, उनका 10 पॉइंट है। उसके अलावा ओमान के 4 मैचेस में 9 पॉइंट है, उन्होंने 3 विक्ट्री मिली है, 1 मैच उन्होंने कतार के अगेंस्ट हारा है। अफगानिस्तान के 4 मैच में 4 पॉइंट्स हैं, उन्होंने 1 विक्ट्री इंडिया के अगेंस्ट मिली है, 1 विक्ट्री बांग्लादेश के अगेंस्ट मिली है, 1 ड्रॉ इंडिया के अगेंस्ट मिला है, और उनका गोल डिफरेंस अच्छा नहीं है, -8 उनका, -9 उनका गोल डिफरेंस है। चौथे नंबर पर इंडिया है जिनके 3 पॉइंट्स हैं, इंडिया ने 3 ड्रॉ अभी तक खेल लिए हैं, बांग्लादेश
कतार एंड अफगानिस्तान, और उनके नीचे है इंडिया के नीचे है बांग्लादेश के, एक पॉइंट है। तो अभी भी आई थिंक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जो सेकेंड स्पॉट है वो थोड़ा सा अब इंडिया के आई थिंक आउट ऑफ रीच हो चुका है। हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए वो थर्ड स्पॉट कैसे हम ले सकें, एंड उस थर्ड स्पॉट लेने के लिए अगला मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सेकेंड स्पॉट को भी अपनी हमें होप जिंदा रखनी है, कि जिंदा ये है कि हम कतार को हराएंगे होम पे, तो उससे पहले ओमान को हमें हराना है। बट ओमान के अगेंस्ट रिजल्ट और मिनिमम आई थिंक अगर ड्रॉ भी हम ले पाए उनके घर पे जिस तरह की फॉर्म में है, ओमान ने 4 गोल मारे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट अभी पिछले मैच में, आज जिस दिन इंडिया खेली उसी दिन उन्होंने 4-1 से बांग्लादेश को हराया है। एंड ये ओमान जो इंडिया के अगेंस्ट गुवाहाटी में खेली थी उससे बहुत डिफरेंट है। आइए चलते हैं टेक्निकल बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि ओमान जो कि ओमान क्यों डिफरेंट है जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने खेला था। ये सेक्शन देखने से पहले आप ऊपर कार्ड्स में जाके जो इंडिया वर्सेस ओमान गुवाहाटी में मैच है उसका एक टेक्टिकल रिव्यू देख लीजिए उस मैच का, तो आपको समझ में आएगा कि ओमान डिफरेंट क्यों है उस मैच से। और जो मैच उन्होंने कल बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला है उनके सिर्फ 3 प्लेयर सेम हैं, उनके नंबर 2 जो हैं सेंटर बैक मुस्लामी एंड जो ए कानू और ए मुबारक नंबर 12 एंड उसके अलावा जो नंबर 17 उनके लेफ्ट बैक बुसेदी, 3 प्लेयर्स के अलावा जो बाकी सारे 8 प्लेयर्स खेले हैं वो डिफरेंट हैं जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले हैं। कतार की जो हार हुई उसके बाद ओमान में भी काफ़ी हल्ला मचा था, उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स चेंज किए हैं, अपनी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज कर ली है, अल हफ्जी जो उनके लेजेंड है उनकी वापसी हुई है। एंड ओमान ने जो सेटअप किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट वो एक 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसमें जो इनकी फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं कि जो एक नए राइट बैक आए हैं जिन्होंने लगभग आई थिंक 2 असिस्ट या 1 असिस्ट उनके बांग्लादेश के अगेंस्ट है, अलहदी एक नए सेंटर बैक आए हैं और ए मुबारक ए कानो अभी भी हैं, उनके नंबर 10 नए आए हैं जौहर जिन्होंने गोल मारा है बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड उनके नंबर 20 एक जो RCM है और REM की पोजिशन है, और अल मंदार जो नंबर 15 है वो भी आए हैं और उन्होंने भी गोल मारा है बांग्लादेश के अगेंस्ट। आगे उन्होंने 2 फॉरवर्ड रखे हैं, दोनों नए फॉरवर्ड है अल गिजानी एंड अल रजदीगी, दोनों ही एक बहुत अच्छे फॉरवर्ड्स हैं। उसके अलावा बुसेदी तो अब पिछले मैच में भी थे, तो सिर्फ 3 प्लेयर उनके सेम है। और अब 3 प्लेयर्स में भी देखिए थोड़ी उन्होंने अपनी स्टाइल भी बदल दी है, उनको अब इंडिया को क्या मेक श्योर करना है कि मुझे लगता है कि जिस तरह की स्टाइल इनकी है आप देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो इनके फुल बैक्स है दोनों वो काफ़ी विड्थ प्रोवाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जो दोनों आगे फॉरवर्ड हम बॉक्स के अंदर जाते हैं और नंबर 10 पुश करते हैं बहुत ज़्यादा, यू नो जो नंबर 10 के पुश करते हैं। उसके अलावा जो अल मंदार है एंड जो नंबर 20 है ये सब के सब बॉक्स के बाहर एक यू नो खड़े रहते हैं लॉन्ग शॉट्स लेने के लिए। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी उन्होंने 2 गोल लॉन्ग शॉट्स से मारे थे, एंड उसके अलावा 2 बॉडीज इनके बॉक्स के अंदर रहती है प्लस 2 राइट बैक लेफ्ट बैक है वो सारी के सारी इनको विड्थ प्रोवाइड करवाते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये जो ये फॉर्मेशन है इनकी ये 3 एट बैक बन जाता है एंड 3 मिडफील्ड एंड देन 2 वाइड एंड 2 3 बेसिकली 3-3-2-2 फॉर्मेशन बन जाती है ऑन अटैक। बट आप देखिए यही जो उनकी स्ट्रेंथ है, हम हमेशा बोलते हैं जो भी इस टीम की स्ट्रेंथ होती है उससे उनकी वीकनेस भी निकल के आती है। अब वीकनेस आप देखिए कि कैसे जो राइट बैक और लेफ्ट बैक जब पुश करते हैं, जो इंडिया ने इनको एक्सपोज किया था गुवाहाटी में वो अभी स्टिल सेम है, उस पर उन्होंने काम नहीं किया, वो स्पेसिस बहुत छोड़ते थे पीछे। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा एम्प्टी बॉक्सेस वो स्पेस है जो छोड़ रहे हैं, एंड जो लाइन वाले बॉक्सेस हैं वो स्पेस है जो लोग जहां वो डोमिनेट करते हैं बॉल वगैरह या बॉडीज के साथ। तो देखिए इंडिया स्पेस ये इस पर थ्रेट कर सकता है, इस पर खेल सकता है अपने काउंटर अटैक पे एंड इनके अगेंस्ट रिजल्ट ला सकता है। उस रिजल्ट लाने के लिए क्या इंडिया को खेलना चाहिए फॉर्मेशन उसके बारे में बात करते हैं हम अगले सेक्शन में। बट ये ओमान टीम काफ़ी डिफरेंट है गुवाहाटी वाले ओमान टीम से, तो इतना आसान नहीं होने वाला है जो काफ़ी लोगों को लगता है कि अभी तो लोगों को लग रहा था कि हम बांग्लादेश अफगानिस्तान को भी बहुत आसानी से हरा देंगे। फिर से जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, हमने हमेशा एक बात बोली है कि कोई भी टीम इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लगती है, क्योंकि ऑन फील्ड ऑन पेपर चीज़ अलग होती है, ऑन फील्ड चीज़ अलग होती है। अब देखते हैं कि इंडिया को क्या सेटअप करना चाहिए। दो तरह की सेटअप हम बता रहे हैं, एक इंडिया से जो सेटअप कर सकते हैं और एक जो मैं आइडियली खुद अल्टरनेट 11 भी देना चाहूँगा। फिर से काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि एक अल्टरनेट 11 भी हमें बतानी चाहिए, तो अब चलते हैं फिर से इंडिया के टेक्टिकल बोर्ड की तरफ। उसी तरह का सेटअप मैं रखना चाहूँगा जो सेटअप इंडिया का गुवाहाटी में था, 4-3-3 फॉर्मेशन, पर थोड़े चेंजेस हैं। वहाँ रॉलन बॉजिस थे, वहाँ पे आपके संदेश जिंगन थे, यहाँ पे नहीं है। राहुल बैक के सेंटर बैक की पोजीशन में रखना चाहूँगा, मैं चेंजेस करूँगा दोनों फुल बैक में। इंडिया फुल बैक से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, शुभाशीष बोस खेल रहे थे गुवाहाटी में इंडिया के लिए और उनको वापस लेकर आऊँगा लेफ्ट बैक की पोजीशन में। डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है और अटैक में भी इतने बुरे नहीं है जितना लोगों को लगता है। इसके अलावा निशु कुमार को चांस दूंगा एज राइट बैक, जो बेंगलुरु एफसी के लिए काफ़ी बार वो राइट बैक की पोजीशन में खेलते आ रहे हैं, वो राइट बैक खेल सकते हैं, उनके दोनों फुट चलते हैं। उसके अलावा मैं एक और जो चेंज मैं सजेस्ट मतलब नहीं करूँगा पर हो सकता है वो है थापा आएंगे 4-3-3 फॉर्मेशन में। अगर आप खेलते हो अवे फ्रॉम होम अगेंस्ट ओमान, आपको डिफेंसिव बहुत सॉलिड होना है, तो मैं थापा पुरना एंड ब्रेंडन का मिडफील्ड रखूंगा। आगे मैं
छेत्री उदांत एंड आशिक एक थोड़ा सा डिफरेंट 4-3-3 आगे मैं छेत्री को उनके पीछे होल में खिलाऊंगा एंड उदांता एंड आशिक को उनकी पेस यूज़ करने के लिए रखेंगे। आप देखिए इस सेटअप में क्या है कि जब इंडिया डिफेंसिवली इंडियन टीम जब डिफेंस करेगी तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि क्या बोलते हैं जो उनके दोनों विंग बैक्स हैं वो थोड़े नैरो आ जाए सेंटर बैक के पास बिकॉज ओमान अपने जो तीनों मिडफील्डर को लेकर आएगा। एंड देन अगर इंडिया बॉल वन करता है आपके पास अगर इंडिया बॉल वन करता है मिडफील्ड में तो सबसे पहले जो काफ़ी हुआ था ओमान के अगेंस्ट जब गुवाहाटी में थापा बॉल वन करते थे उन्होंने बॉल आगे प्रोवाइड करी है छेत्री को एंड छेत्री फिर दूसरे प्लेयर्स को लिंकअप प्ले करते हैं। सेम चीज़ इंडिया को करना चाहिए, छेत्री को बॉल खिलानी चाहिए एंड द सेम टाइम उदांता राइट हैंड साइड में जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था राजस्थानी एक्सप्रेस की तरह निकल जाएँ फिर से एंड यू नो यहाँ पे आशिक एक डैंगलर रन मार सकते हैं बॉक्स के अंदर का ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए। एंड इसमें एक और चीज़ इंडिया को जो करनी है आप थापा और पुण्य को इसलिए खिला रहे हैं ताकि जो इंडिया के बेस्ट प्लेयर रहे हैं अभी तक क्वालिफायर्स में ब्रैंडन फर्नांडिस उनको और एडवांस पोजीशन में आप लेके जा सको। वो डीप लाइन प्लेमेकर अच्छा खेले हैं बट उनकी वो बेस्ट पोजीशन नहीं है, उनकी बेस्ट पोजीशन नंबर 10 है तो आपको उनको नंबर 10 की पोजीशन पे आपको उनको लेके जाना है। जितना ज़्यादा उनको आप नंबर 10 की पोजीशन में बॉल देंगे उतना अच्छा इंडिया के लिए रहेगा। आप देखिए जब भी इंडिया के पास बॉल आ रही है उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो कि ब्रैंडन के पास बॉल खेलने छेत्री है जब ब्रैंडन उसके बाद आराम से आशिक के पास या कुछ उन पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिकॉज छेत्री भी बॉक्स में जाएंगे उसके अलावा बेके आदिल खान ये पुणे हल्दार एक बैक थ्री फिर से बनाएंगे एंड ब्रैंडन वो चीज़ फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। थापा के पास लेग्स है ब्रैंडन को सपोर्ट करने के लिए और इस तरह इंडिया सेम जो उन्होंने गुवाहाटी में किया था बट विद थोड़ा डिफरेंट टैक्टिक्स ओमान को परेशान कर सकता है उनके घर के अंदर। इसकी एक अल्टरनेट 11 मैं सजेस्ट कर सकता हूँ उसमें थोड़ा सा यही आप बोल सकते हैं कि मैंने काफ़ी हार्श हो गया हूँ और काफ़ी सारे प्लेयर चेंज किए हैं आपको लग सकता है। मैं इसमें सजेस्ट कर रहा हूँ जो अल्टरनेट 11 है मैं उसमें आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो आपको अल्टरनेट 11 दिख रही होगी मैं इसमें थोड़ा पूरा पर्सनली चेंज करने वाला हूँ फ्रंट फोर का स्पेशली। मैं सहल को लेके आऊँगा छेत्री की जगह एंड लेन डोंगल को लेके आऊँगा ऑन राइट हैंड साइड एंड फारूक चौधरी को लेके आऊँगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड। काफ़ी हार्श भी हो सकता है बट आपको चेंजेस भी चाहिए बिकॉज आप गोल्स नहीं मार रहे हो तो आप मे बी नए प्लेयर्स को ट्राई करो नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दो एंड मे बी वो आपके लिए गोल मार सकते हैं। सहल को लाने का मतलब यह है कि आप इंडिया के पास एक मिडफील्ड में एक्स्ट्रा बॉडी होगी और आगे एक फ्रंट टू बन जाएगी पेसी फ्रंट टू। लेन और चौधरी के पास ये पेस है कंट्रोल है लेन ऑलरेडी गोल मार के कॉन्फिडेंस से भरे होंगे तो ये चीज़ इंडिया को काफ़ी हेल्प कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मेशन यू नो क्योंकि सहल मिडफील्ड में आके वो लिंकअप प्ले कर सकता है और इंडिया फोर मिडफील्ड बनाकर उनको डोमिनेट कर सकता है मिडफील्ड में। इस तरह कुछ इंडिया स्पेशली अगेंस्ट ओमान आई थिंक एक रिजल्ट जो हमें चाहिए वो मिल सकता है। ये सेकेंड वाली फॉर्मेशन आई थिंक सेकेंड वाली प्लेइंग लाइन थोड़ी एग्रेसिव है थोड़ी हार्श भी हो सकती है प्लेयर के ऊपर बट आपको शायद चेंजेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज जो आपके फ्रंट थ्री है वो थोड़ी अभी उनके कुछ मतलब जो कॉन्फिडेंस में नहीं है इतना जितना होना चाहिए। आशिक के पास कॉन्फिडेंस नहीं शूट करने का दांता शूट करते हुए नहीं दिखते हैं छेत्री भाई के गोल्स नहीं आ रहे हैं तो मे बी आप थोड़ा डिफरेंट करके उनको बेंच से ला सकते हैं मैच को इन्फ्लुएंस करने के लिए यानी दूसरी थोड़ी सेकंड ये प्लेइंग 11 खिला सकते हैं एंड इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी डिफरेंट होंगी थोड़ी डिफरेंट टाइप की फुटबॉल खेलने के लिए। अगर आपको पासिंग फुटबॉल खेलनी है तो आपको मिडफील्ड में बॉडीज चाहिए इससे आपको मिडफील्ड में बॉडीज आ सकती हैं। कुछ इस तरह इंडिया सेटअप कर सकता है और पहला वाला जो मैंने बताया वो शायद इंडिया उस तरह सेटअप करेगा सेकंड वाला वो मेरी एक विश है वो शायद पूरी नहीं होगी पर उस तरह भी इंडिया सेटअप कर सकता है। होप करें इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया को 3 पॉइंट जरूर चाहिए जिस तरह की सिचुएशन ग्रुप में बनती जा रही है। अफगानिस्तान भी अब रेस में आ गया है टॉप थ्री की और इवन टॉप टू की जिस तरह की भले उन्होंने गोल खाए हैं बट अब मे बी नेवर नो एक मैच एक पॉइंट आपका ये क्वालिफाइंग में स्टैंडिंग बदल सकता है। होप करेंगे इंडिया ओमान से 3 पॉइंट लेके लौटे बिकॉज आगे जाके हमारे अब काफ़ी इंपॉर्टेंट होम मैचेस आ जाएंगे और बांग्लादेश अवे भी जाना है हमको। इसके बाद हमारा सिर्फ एक बांग्लादेश अवे है एंड हम उसके बाद कतार को अपने घर पे खेल रहे हैं एंड अफगानिस्तान को अपने घर पे खेलेंगे। इस मैच के बाद 3 इंपॉर्टेंट और मैच बचेंगे इंडिया के लिए तो होपफुली करते हैं इंडिया 3 पॉइंट्स लेके ये मैच इंडिया एक पॉजिटिव अफगानिस्तान से ऊपर जाएगी ग्रुप में एंड एक हमारे लिए टिल मार्च एक हैप्पी फीलिंग रहेगी एटलीस्ट। अगर अभी वीडियोस पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू खेल नाउ टीवी फॉर वीडियोस लाइक दीज बिकॉज हम ISL के टाइम पे पूरे ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए एंड ISL हाइलाइट्स भी हमारे चैनल पे आ रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में भी आप फीडबैक देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।